फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को, विकास के सिद्धांत क्या हैं। दो पार्ट हम कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 3 है। अब तक हमने समझा कि वृद्धि क्या है, क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। इसके डोमेन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे विकास को, और क्या इसके स्टेजेस हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके प्रिंसिपल को। इसके 8 से 10 प्रिंसिपल हैं, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हैं वे 8 to 10 हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है। ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग जाती है, यानी वोम्ब टू टोम चलती है, वोम्ब टू टोम चलती है, यानी गर्भ से कब्र तक जाती है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है, ये पूरे जीवन चलती है। हम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, नई नई स्किल्स एक्वायर करते रहते हैं, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, तो पूरा जीवन हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो ये प्रक्रिया पूरा जीवन चलती है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। गर्भ से कब्र तक जाती है, यानी जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, और जब तक हमारी लाइफ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक जाती है। ठीक है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत सबसे ज्यादा पूछा जाता है सीटेट में। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रीसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है, पहले जनरल रेस्पॉन्स करेगा, यानी सामान्य प्रतिक्रिया करेगा, उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें करेगा। यानी बच्चा है, बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, 1 साल का बच्चा है, वो चीज़ों को उठा रहा है, अपने दूध की बोतल पकड़ सकता है, लेकिन वो पेंसिल थोड़ी पकड़ सकता है, वो लिख थोड़ी सकता है, तो धीरे धीरे वो विशिष्ट की तरफ जा रहा है, पहले सामान्य चीज़ों को करेगा, फिर विशिष्ट चीज़ों को करेगा। ठीक है, पहले सामान्य प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, बाद में विशिष्ट लक्ष्य निर्देशित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। ये क्या है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो इंट्रैक्शन है, उसी की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई तो हेरिडिटी से ही ऐसा होता है, यानी उसके जीन्स ही अच्छे होते हैं, कोई एनवायरमेंट का भी इफेक्ट होता है, तो दोनों को मिला के ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, यानी व्यक्तिगत अंतर। अगर दो भाई हैं तो वो भी एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें भी अलग अलग क्वालिटीज़ मिलेंगी, कि कोई पढ़ने में अच्छा होगा तो कोई पढ़ने में नहीं अच्छा होगा, किसी की सोच कैसी होगी, यानी कोई भी एक जैसा नहीं है इस पूरे संसार में। मतलब जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी पाई जाती है, सब में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से। कुछ रोल एनवायरनमेंट का भी है और कुछ रोल हेरिडिटी का भी है, यानी कुछ रोल पर्यावरण का और कुछ रोल आनुवंशिकता का है। ठीक है, इसी की वजह से व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है विकास में। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या सीक्वेंस, यानी सामान्य पैटर्न और अनुक्रम का सिद्धांत। यानी जो विकास है उसका एक सिमिलर पैटर्न है, उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, कि इस स्टेज के बाद यही स्टेज आएगी, यानी एक पैटर्न को फॉलो करता है ये, कि बच्चा पहले क्या है, प्रीनेटल में आएगा, फिर इन्फेंसी में आएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर मिडल चाइल्डहुड, फिर लेटल चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, यानी एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है, कोई भी स्टेज स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है विकास। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। क्या होता है कि हर इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि सभी इंडिविजुअल में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, कोई बच्चा 1 साल का बोल रहा है, कोई बच्चा 12-13 महीने का बोल रहा है, 1.5 साल का बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ वेरी करता है, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके 2 टाइप के डायरेक्शन दिए हैं इसमें, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, ये हर बार पेपर में पूछी ही जाती है, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल में क्या होता है, सिर से पैर की तरफ जाना, सिर से पैर की तरफ जाना, यानी बच्चा क्या होता है, 3 से 4 महीने का बच्चा अपनी गर्दन संभालना शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को संभालने लगता है, बॉडी पे बैलेंस आना उसका शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे ग्रो करता है, घुटने के बल चलता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर खड़ा होता है, फिर सीधे चलता है, तो सिर से पैर की तरफ पूरा बैलेंस उसका आ जाता है, तो ये होता है सिफेलोकोडल। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ, यानी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, यानी बच्चा ग्रो तो हो गया लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल भी तो आएगा, जैसे बड़ी चीज़ें पकड़ लेगा, अपनी दूध की बोतल पकड़ रहा है, अपनी मदर का हाथ पकड़ रहा है, फादर का हाथ पकड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, पेंसिल पकड़ने लगेगा, फिर लिखने भी लगेगा, फिर ड्रॉइंग करने लगेगा, कोऑर्डिनेशन बनने लगेगा, तो अंदर से बाहर की तरफ चलता है। ठीक है, मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। ठीक है,
आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करके चलना, यानी हम साइकिल चला रहे होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पैर ही चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, हाथों का भी यूज़ हो रहा है, हमारे माइंड का भी यूज़ हो रहा है, तो सारी चीज़ एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके चल रही है, यानी एकीकरण हो रहा है सारी चीज़ों का। खेल रहे हैं, खेलते टाइम हमारी हमारे हाथ भी चल रहे हैं, हमारी आंख भी चल रही है और हमारे ब्रेन का भी यूज़ हो रहा है, तो सारी चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट करके ही काम हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे विकास के अंदर आता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जो हमारे फिजिकल एस्पेक्ट हैं, यानी हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक, सामाजिक, जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी डोमेन हैं, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। अब देखो, जैसे हम इमोशनली हम दुखी हैं तो हमारा क्या होता है, ब्रेन तो अफेक्ट होता है, हमारी बॉडी भी अफेक्ट होती है, फिजिकली मेंटली सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क करता है एक दूसरे से। अगर हमें चोट लगी है, हमारे हाथ में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर से ही अफेक्ट होगा, हम इंटरनली भी अफेक्ट होंगे, तो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, यानी परस्पर संबंधित है, अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पे आश्रित है, ठीक है। फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, जितने भी एस्पेक्ट हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत। मैच्यूरेशन क्या होता है, रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट में रहकर उसे रेस्पॉन्ड करना, ये हेरिडिटी से रिलेटेड है। लर्निंग क्या होता है, हर रोज हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जो चेंज हमारे बिहेवियर में आ रहा है, ठीक है, जो हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है वो लर्निंग है, ठीक है। तो विकास में इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, मैच्यूरेशन एंड लर्निंग का। मैच्यूरेशन होती है जैसे बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, तो कहते हैं कि बच्चा मैच्योर हो रहा है, 2 साल का बच्चा है, फिर 4 साल का है, धीरे धीरे मैच्योरिटी आती जाती है, तो वो मैच्यूरेशन है, ठीक है। और लर्निंग वो है जो हम सीखते रहते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारे बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है वो लर्निंग है, ठीक है। तो विकास में इनका भी बहुत बड़ा रोल है, मैच्यूरेशन एंड लर्निंग का। फिर आता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये पूरा ही चैप्टर हेरिडिटी और एनवायरमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है, ये जो बच्चा ग्रो करता है, बच्चे का जो विकास होता है, ये जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। जितना रोल हेरिडिटी का है उतना ही रोल एनवायरमेंट का, यानी जितना अनुवांशिकता का रोल है इतना ही पर्यावरण का रोल है, इन दोनों का संयुक्त उत्पाद है बच्चे की वृद्धि और विकास, तभी हमारा डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, ये सीधा सीधा पूछ लेता है सीटेट में, हर बार आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, स्पायरल का मतलब है कि बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, क्या होता है, 5th 6th में आया बच्चा तो एकदम से हाइट बहुत ज़्यादा निकल गई कि हाँ ये बच्चा तो एकदम से बहुत लंबा हो गया, फिर धीरे फिर एकदम से रुक जाती है, फिर निकलती है, तो यानी बैक एंड फोर्थ, कभी रुकता है, कभी चलता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। तो डेवलपमेंट क्या है, स्पायरल प्रोसेस में होता है, इस तरह से होता है, कभी चल रहा है फिर पीछे आ रहा है, चल रहा है फिर पीछे आ रहा है, ठीक है। कभी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर थोड़े दिन के लिए रुक गई, फिर अंदर से कंट्रोल आ रहा है, तो ये स्पायरल ही चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, यानी बचपन का जो अनुभव है बच्चे के विकास पर अधिक प्रभाव डालता है, यानी बचपन में कोई भी घटना हमारे साथ हो जाती है तो हम उसे जीवन भर याद रखते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को अच्छी क्वालिटी दी जाए, यानी फिजिकली भी उसे न्यूट्रिशन भी अच्छा दिया जाए, उसे ऐसा एनवायरमेंट दिया जाए कि वो इमोशनली भी अच्छा हो सके, सोशली भी, मेंटली भी और कल्चरली भी, ठीक है, यानी उसके भावनात्मक पक्ष भी अच्छे हों, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव भी सभी इसी के अंदर शामिल हैं, सभी अगर उन्हें उसे एनवायरमेंट अच्छा मिलेगा तो बच्चे का पालन पोषण अच्छा होगा, ठीक है, ये बेटर क्वालिटी बच्चे को देनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हेरिडिटी है क्या, हेरिडिटी जो गुण हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, हम अपने पेरेंट्स से जो विरासत में मिलता है वो आनुवंशिकता कहलाता है। अब जो अपने माँ बाप से हमें जीन्स मिल रहे हैं, गुण मिल रहे हैं, वो हेरिडिटी के अंदर आती है, ये बेस है हमारी पर्सनैलिटी का, ठीक है। एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट के अंदर हमारे सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, जैसे हमारे फिजिकल, सोशल, मोरल, कल्चरल, इमोशनल, ये सब एनवायरमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक, भावनात्मक सारे पक्ष एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। एनवायरमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ एक जीन्स को छोड़ के, सिर्फ एक हेरिडिटी को छोड़ के, बाकी जो भी कुछ है, हमारा समाज है, हमारा घर परिवार, हम फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनल जितनी भी क्रियाएँ होती हैं वो सब एनवायरमेंट के अंदर आ जाती हैं, सिर्फ
स्पेसिफिक जीन्स को छोड़ के, वो हेरिडिटी के अंदर आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या होता है? नेचर। हेरिडिटी को कहते हैं नेचर और एनवायरनमेंट को कहते हैं नर्चर। ये भी सीटेट में सीधा आता है। हेरिडिटी क्या होता है? नेचर और एनवायरनमेंट होता है नर्चर, यानी प्रकृति और ये है नर्चर, पोषित, ठीक है। हेरिडिटी हमने समझा, ये बायोलॉजिकली एक्वायर्ड है, जो हमें अपने पेरेंट्स से गुण मिलते हैं, जो अपने पेरेंट्स से हमें ट्रेड ट्रांसफर होती है पेरेंट टू प्रोजेनी, ठीक है। पेरेंट्स से जो ट्रेड्स मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से जो अर्जित किए गए कारक हैं, वो हेरिडिटी के अंदर आते हैं। और एनवायरनमेंट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ एक हेरिडिटी को छोड़ के, ठीक है। एनवायरनमेंट से ही हमारा जितना भी हमारा बिहेवियर है, वो एनवायरनमेंट से ही मॉडिफाई होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है विकास। बच्चे का आनुवांशिक और पर्यावरण को मिला के ही बच्चे का विकास होता है, दोनों का बराबर रोल है। अब तक हमने क्या पढ़ा? इतने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत, यानी कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता है। प्रिसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले जनरल चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक पे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कोई भी इस पृथ्वी पे, कोई भी दुनिया में एक जैसा नहीं है, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, अंतर पाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस, विकास क्या है? यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, हर किसी को हर स्टेज से होकर गुजरना होता है, कोई भी स्टेज हम छोड़ नहीं सकते। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी सिफेलोकोडल होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल होता है, सिर से पैर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ। इंटीग्रेशन, यानी चीज़ों को इंटीग्रेट करके चलते हैं, यानी खेल रहे हैं तो हमारा माइंड भी यूज हो रहा है, हमारे हाथ भी यूज हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन होता है। इंटर रिलेशन होता है, एक दूसरे को, मतलब सारे जितने भी एस्पेक्ट हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। मैच्यूरेशन एंड लर्निंग, मैच्यूरेशन क्या होता है? एनवायरमेंट को रेस्पॉन्ड कर, लर्निंग होता है हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है। और ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट को मिला के ही बच्चे का विकास होता है। स्पाइरल क्या होता है कि जैसे जैसे ग्रोथ चल रही है, कभी ग्रोथ ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है, कभी आगे कभी पीछे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, यानी बचपन में जो बच्चे के साथ होता है वो हमेशा उसे जीवन भर याद रखता है, इसलिए हमें बच्चे को अच्छा पोषण देना चाहिए। फिजिकली भी, मेंटली भी, ये सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क करता है बच्चे के, कि फिजिकली भी, न्यूट्रिशनली, मेंटली, सोशली, सारी तरह से, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और थैंक यू उन लोगों के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, थैंक यू।